बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अकाउंटिंग के लिए कहाँ से पढ़ाई करें, कहाँ से क्वेश्चन पढ़ें। तो वैसे तो अकाउंटिंग पे मैंने बहुत सारा वर्क किया हुआ है। आई थिंक मैंने 1900 प्लस एमसीक्यूज भी कराए हुए हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन, जिसमें कि आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। स्पेशली अकाउंटिंग के वो क्वेश्चन हैं। इसके साथ ही मैंने करण चौधरी की बुक से अकाउंटिंग को कवर किया हुआ है, यूथ कंपटीशन से कवर किया हुआ है, दृष्टि द विजन से कवर किया हुआ है। अगर आपको तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, तो क्वेश्चन जो 900 है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अब उतना टाइम है आपके पास, लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके थे वो रिवीजन पे अपना ध्यान दें, रिवीजन करें वो सारे क्वेश्चंस को। और जो रिवीजन अब करना चाहते हैं, जो नए जुड़ रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अब हम लोग कहाँ से रिवीजन करें, तो उनके लिए करण चौधरी की जो बुक से मैंने अकाउंटिंग को डाला हुआ है, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस बुक पे अकाउंटिंग को समझाया हुआ है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, इक्वेशन को। इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में, वो आपका इक्वेशन अगर आपका तैयार है, अगर आपको सारे फॉर्मूलाज आपके तैयार हैं, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए काफ़ी अच्छे से उन्होंने उस पर काम किया हुआ है। और करण चौधरी काफ़ी फेमस है, आप सभी उनको जानते होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीएफओ की। तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के उनके अकाउंटिंग का जो मैंने डाला हुआ है वीडियोज़ के थ्रू मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है उनका लेक्चर, तो वो आप वहाँ से जा कर के देखेंगे, तो आपका अच्छा खासा मुझे लगता है कि रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे मेरे साथ, जो मैं क्वेश्चन करा रही थी, एमसीक्यूज करा रही थी, वो मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो सारे फिर से जा कर के, जितने भी मैंने वीडियो उसके लिए बनाए हुए हैं, उसको तुरंत जा कर के रिवीजन करिए, रिवीजन करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा वो।